सीकर पुलिस ने डकैती की सबसे बड़ी वारदात का आखिरकार खुलासा कर दिया, जिसमें तस्करी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से करीब 4 किलो 300 ग्राम सोना भी जब्त किया है। पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथीर ने बताया कि नीमका थाना बाईपास पर 7 मार्च को डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें पीड़ित सुल्तान ने 30,000 रुपए की लूट का मामला दर्ज करवाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और यहां पूछताछ में पता चला कि परिवादी ने तस्करी करके लाए करोड़ों रुपए का तथ्य पुलिस से छिपाया था और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 1.5 करोड़ रुपए का कीमती सोना भी जब्त किया है और पुलिस बदमाशों से अब कड़ी पूछताछ में जुटी है। गौरतलब है कि परिवादी ने मामला दर्ज करवाते समय बताया था कि दिल्ली एयरपोर्ट से आते समय कुछ बदमाश 30,000 रुपए लूट कर वहां से फरार हो निकले, लेकिन उसने सोने की लूट से पुलिस को अवगत नहीं करवाया था, जो अब पर्दाफाश हो चुका है आरोपियों को गिरफ्तार करने से। दौरान ये बात आई थी कि ये साधारण किसी की लूट नहीं है, इसमें तस्करी करके सोना लाई हुई थी बाहर से गल्फ से, उसकी लूट हुई थी। और स्पेशल टीम गठित करके तकनीक सहायता से या दूसरी सूचना से हमने देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।